खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए। बताते हैं हम बिहार के लोग, बिहार में खेला होता है, उसको कहते हैं कोना कोना खेल। जेडी और बीजेपी आपस में कोना कोना खेल रहे हैं, तो कोना में चार को कोना खड़ा हो जाता है और पांच को आदमी तो दौड़ करके जो कोना लूट लेता है वो सब कोना में चला जाता है, जो बच जाता है वो चोर हो जाता है। फिर चोर हर कोना में जाता है और पूछता है कौन कोना, कहता है ऊ कोना सौतली पुतह कोना। तो कौन कोना, ऊ कोना सौतली पुतह कोना। जनता परेशान है बिहार की, जाती है बीजेपी के पास कौन कोना, तो जेडी कहती है ऊ कोना। कि आप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 80वें वर्षगांठ को कवर करने के लिए आए हैं और आपको बहुत धन्यवाद है। आज हम लोग राज्य स्तर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 80वां वर्षगांठ मना रहे हैं और मुंगेर में 20 अक्टूबर 1939 को पार्टी की स्थापना हुई थी, वहाँ पर मुंगेर में भी कार्यक्रम हुआ था 20 तारीख को, और आज 23 तारीख को यहाँ पटना में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो ब्रांच सेक्रेटरी हैं अलग अलग जिलों के, वो साथी मतलब नेतृत्वकारी साथी आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और आज 80वें वर्षगांठ पर हम लोग पार्टी के इतिहास को याद करते हुए, उसके संघर्षों को याद करते हुए, आगे भविष्य में हम लोगों को किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए और भारत में जो गैर बराबरी है, जो शोषण है, उसको समाप्त करके कैसे एक समतामूलक समाज का निर्माण हो, उसका संकल्प लेंगे। अलग अलग दल के नेता भी यहाँ आए हैं, खास करके अन्य वामपंथी दलों के नेता भी यहाँ आए हैं, वो लोग भी अपनी बात रखेंगे। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के साथी महासचिव कॉमरेड डी राजा भी यहाँ आए हैं, वो अपनी बात रखे हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के महासचिव अमरजीत कौर हैं, ये सब सारे लोग अपनी बातचीत रखेंगे और जो पार्टी की आगे रणनीति होगी, जो योजना होगी बिहार को लेकर के, उस पर एक विस्तृत चर्चा। एक बात पर जान लीजिए, हमको किसी व्यक्ति को नहीं हराना है, हमको नरेंद्र मोदी को नहीं हराना है, हमको उस विचारधारा को हराना है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। आप खुद ये महसूस कीजिए ना कि अगर इस देश में चुनाव हो रहा है, 18 साल के हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, 25 साल के बाद किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन क्या लोकतंत्र की प्रक्रिया में धीरे धीरे ये दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा है? और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2014 में आकर के बीजेपी ने ये शुरू कर दिया है, उससे पहले ही ये शुरू हो गया था, उनके ही कह लीजिए कारनामों का नतीजा है कि आज ये सत्ता हमको झेलनी पड़ रही है। मैं उन लोगों को क्लीन चिट नहीं दे रहा, लेकिन बात तो उससे ज़्यादा बिगड़ गई है, बात तो वहाँ से आगे बढ़ गई है। तो हमको किसी व्यक्ति के विरोध में गठबंधन नहीं बनाना है, हमको बिहार की जनता के पक्ष में गठबंधन बनाना है। और ये गठबंधन किसी को एमपी एमएलए और मुख्यमंत्री बनाने और प्रधानमंत्री बनाने का गठबंधन नहीं है, ये गठबंधन संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए वो शब्द जिसको हम कहते हैं समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, गणराज्य, लोकतंत्र, समानता, न्याय, ये शब्द महज शब्द नहीं हो, इन शब्दों के आधार पर सत्ता काम करे, सत्ता इस पे चले और पुनः लोकतंत्र और चुनाव की प्रक्रिया में जनता के विश्वास को हासिल किया जा सके, ये हमारी कोशिश है। तो हम विरोधियों का नहीं, संविधान के समर्थकों का गठबंधन बनाना चाहते हैं। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।